ये कहानी बहुत ही डरावनी है। अगर आप गुल्ली बुल्ली की इस वीडियो को पूरी नहीं देखेंगे तो आपको यह कहानी समझ में नहीं आएगी। आज गुल्ली बुल्ली अपने घर की सफाई कर रहे हैं। गुल्ली बुल्ली ने पॉटी बॉय शॉन को भी अपने घर बुलाया है। गुल्ली बुल्ली ने अपने घर की सफाई करने के लिए शॉन की मदद मांगी है। बुल्ली सीढ़ियों से ऊपर चढ़ा हुआ है क्योंकि ऊपर वाली खिड़की की फंटी लूज हो गई है। बुल्ली बहुत देर से उसे लगाने की कोशिश कर रहा है पर बुल्ली से वो लग नहीं रही है। शॉन कहता है, अरे यार बुल्ली तुम कितना टाइम लगाओगे, तुमसे एक छोटा सा काम भी नहीं होता है। बुल्ली कहता है, शॉन मैं यहाँ आराम से बैठा नहीं हूँ, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ पर ना जाने ये मुझसे क्यों सेट नहीं हो रही है। शॉन कहता है, बुल्ली ये तो मेरे दाएं हाथ का काम है, मैंने पहले भी अपने घर की खिड़की की फंटी को सही किया है, तुम नीचे आओ मैं इसे अभी फिक्स कर देता हूँ। गुल्ली कहता है, बुल्ली तुम नीचे आ जाओ और शॉन मिस्त्री को ऊपर जाने दो, बेचारे को बहुत एक्सपीरियंस है मिस्त्री वाला काम करने का। शॉन कहता है, गुल्ली तुम मेरा मजाक बना रहे हो, ये अच्छा नहीं है। गुल्ली कहता है, नहीं शॉन मैं तो बस मजाक कर रहा था, जाओ मेरे प्यारे शॉन और उसे सही कर जल्दी से आओ, फिर हम टीवी देखेंगे। गुल्ली नीचे आ जाता है और नॉटी बॉय शॉन ऊपर चढ़कर खिड़की की फंटी को सही करने लगता है। शॉन बुल्ली से कहता है, लो गुल्ली बुल्ली मैंने इसे सही कर दिया है, अब मैं नीचे आ रहा हूँ। जैसे ही शॉन नीचे उतरता है, शॉन का पैर सीढ़ियों में फंस जाता है और बेचारा पॉटी बॉय शॉन नीचे गिर जाता है। लगता है पॉटी बॉय शॉन को बहुत गहरी चोट लग गई है। गुल्ली शॉन से कहता है, शॉन मैंने तुमको पहले ही मना किया था कि तुम ऊपर मत जाओ, लेकिन तुम हमारी बात कहाँ मानने वाले हो। शॉन कहता है, हाँ गुल्ली मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी, ठीक है अब तुम मुझे उठाओ और घर के अंदर ले चलो। अब गुल्ली बुल्ली और शॉन तीनों टीवी देखने बैठ जाते हैं। शॉन को गहरी चोट नहीं आई थी इसलिए शॉन गुल्ली बुल्ली के साथ टीवी देख रहा है। अरे अपना पॉटी बॉय शॉन टीवी पर मोटू पत्तू देख रहा है। तभी अपना पॉटी बॉय शॉन टीवी का चैनल बदल देता है और गलती से न्यूज चल जाती है। अभी अभी चौंका देने वाली खबर आ रही है, अचानक से लोग बीमार पड़ रहे हैं, क्या कारण है पता नहीं चल पा रहा है, जिसकी वजह से इस शहर पर बहुत खतरा मंडरा रहा है, लोग अस्पताल में अपना दम तोड़ रहे हैं, अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर लोग क्यों मर रहे हैं। जल्द ही भारत सरकार को कुछ बड़ा फैसला लेना पड़ेगा, नहीं तो शहर के सारे लोग मर जाएंगे। न्यूज एंकर की बात सुनकर गुल्ली बुल्ली शॉन तीनों हक्के बक्के रह जाते हैं। गुल्ली कहता है, बुल्ली हमारा शहर बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है, जब तक यहाँ की गवर्नमेंट एक्शन ले हमें उससे पहले अपने शहर के लिए कुछ करना होगा। गुल्ली कहता है, हाँ गुल्ली लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हमें तो ये भी नहीं मालूम है कि ये किस वजह से हो रहा है। शॉन कहता है, मुझे लगता है हमें बाबा के पास चलकर उनको सारी बात बतानी चाहिए। बुल्ली कहता है, हाँ गुल्ली शॉन सही कह रहा है, हमें बाबा के पास चलना चाहिए और उनको ये सारी बात बतानी चाहिए, बाबा ही इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता सकते हैं। अब गुल्ली बुल्ली और अपना पॉटी बॉय शॉन बाबा के पास जा रहे हैं। शॉन गुल्ली से कहता है, गुल्ली अगर बाबा के पास इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं हुआ तो हम अपने शहर के लोगों को कैसे बचाएंगे। गुल्ली कहता है, शॉन बाबा के पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, तुम टेंशन मत लो। बाबा यहाँ फेस शील्ड लगाकर पता नहीं क्या कर रहे हैं, लगता है बाबा कुछ आविष्कार कर रहे हैं। दोस्तों तभी गुल्ली बुल्ली और शॉन बाबा के पास पहुँच जाते हैं। गुल्ली बुल्ली और शॉन बाबा को देख कर हक्के बक्के रह जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर बाबा क्या कर रहे हैं। गुल्ली कहता है, बुल्ली बाबा क्या कर रहे हैं और उन्होंने अपने घर को एक लैब क्यों बना लिया है। बुल्ली कहता है, लगता है बाबा साइंटिस्ट बन गए हैं और वो नासा में जाएंगे। शॉन कहता है, अरे गुल्ली बुल्ली बातें ही करते रहोगे कि बाबा से बात भी करोगे, वैसे भी लोगों को बचाने के लिए हमारे पास टाइम बहुत कम है। तभी बाबा कहते हैं, अरे गुल्ली बुल्ली तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। शॉन कहता है, बाबा हमारा शहर मुसीबत में फंस गया है और यहाँ के सभी लोग एक एक करके मर रहे हैं और किसी को भी इसका कारण नहीं मालूम चल रहा है, लोगों को बचाने में हमें आपकी मदद चाहिए। बाबा कहते हैं, शॉन और गुल्ली बुल्ली तुम लोग घबराओ मत, मैं उसी के इलाज के लिए एंटीडोट बना रहा हूँ,
जिससे हम सारे शहर के लोगों को एक साथ बचा सकते हैं। गुल्ली कहता है, पर बाबा हम इतनी जल्दी एंटीडोट को पूरे शहर में कैसे सप्लाई कर पाएंगे? हमारा शहर बहुत बड़ा है, आखिर ये कैसे मुमकिन होगा? बाबा कहते हैं, तुम तीन लोग काफ़ी हो इस एंटीडोट को पूरे शहर में पहुँचाने के लिए। गुल्ली बुल्ली और शॉन सोचते हैं कि आखिर सिर्फ हम तीनों ये काम कैसे कर सकते हैं। बाबा कहते हैं, तुम लोग घबराओ मत, इस एंटीडोट को बनाने में थोड़ा ही वक्त है, तुम लोग मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। बाबा कहते हैं, ये मेरा बनाया हुआ सूट है जिसे तुम लोग पहनकर हवाई यात्रा कर सकते हो। इस सूट के अंदर बहुत ही कमाल की टेक्नोलॉजी है जिसे मैंने डिज़ाइन किया है, और इस सूट की मदद से तुम इस एंटीडोट को पूरे शहर में एक साथ एक टाइम पर पहुंचा सकते हो। शॉन कहता है, बाबा क्या मुझे भी ये वाला सूट पहनने को मिलेगा? बाबा कहते हैं, हाँ शॉन, मैंने तुम तीनों के लिए ही ये बनाया है, अब तुम लोग इसे पहन लो, तब तक मैं एंटीडोट को रेडी करता हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत ही कम है। ये बोलकर बाबा एंटीडोट को कंप्लीट करने वापस चले जाते हैं। बाबा यहाँ एंटीडोट को रेडी करने में लगे हैं, और उधर गुल्ली बुल्ली और शॉन ने बाबा का बनाया हुआ सूट पहन लिया है। बाबा ने एंटीडोट कंप्लीट कर लिया है और वो अब इस एंटीडोट को गुल्ली बुल्ली और शॉन के पहने हुए सूट में फिल कर रहे हैं, ताकि गुल्ली बुल्ली और शॉन एंटीडोट को पूरे शहर में पहुंचा सकें। बाबा गुल्ली बुल्ली शॉन से कहते हैं, तुम लोग एक एक इंजेक्शन इस एंटीडोट का ले लो ताकि तुम्हारे अंदर कोई इन्फेक्टेड वायरस ना जा सके। शॉन कहता है, बाबा मैं इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगा, मुझे बहुत डर लगता है। गुल्ली कहता है, शॉन अगर तुम इंजेक्शन नहीं लगवाओगे तो तुम इस सूट को उतार दो और यहीं बाबा के साथ रुको। शॉन सोचने लगता है कि उसे कैसा फैसला लेना चाहिए। जब तक शॉन फैसला करता है, अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। गुल्ली कहता है, बाबा आप मुझे और गुल्ली को इंजेक्शन का डोज दे दीजिए। बाबा गुल्ली और बुल्ली को इंजेक्शन लगा रहे हैं ताकि इन्फेक्टेड वायरस से गुल्ली और बुल्ली को कोई प्रॉब्लम ना हो सके। शॉन सोचता है कि अगर वो इंजेक्शन लगवा लेता है तो वो उस सूट को पहनकर हवा में उड़ सकता है और जहाँ चाहे वहाँ जा सकता है, और अगर वो इंजेक्शन नहीं लगवाता है तो उसका सारा मजा खराब हो जाएगा। वैसे भी इंजेक्शन लगवाने में बस उसे थोड़ा सा ही दर्द होगा। शॉन फैसला कर लेता है और वो बाबा से कहता है, बाबा मैं इंजेक्शन लगवाने के लिए रेडी हूँ क्योंकि मर्द को दर्द नहीं होता है। बुल्ली कहता है, अच्छा रोतड़ू शॉन, अभी तो तुम कह रहे थे मुझे इंजेक्शन से डर लगता है, अचानक से तुम मर्द बन गए। गुल्ली कहता है, अरे बुल्ली रहने दो, शॉन की खिंचाई क्यों कर रहे हो? बाबा आप इसे एंटीडोट वाला इंजेक्शन जल्दी दे दीजिए ताकि हम यहाँ से जल्दी निकले और लोगों को बचा सकें। बाबा शॉन को एंटीडोट वाला इंजेक्शन दे देते हैं। अरे बाबा ने शॉन के बम पर इंजेक्शन लगा दिया, पता नहीं बाबा ने ऐसा क्यों किया है। जैसे ही बाबा इंजेक्शन लगाते हैं, शॉन की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। शॉन ने इंजेक्शन ले लिया है और अब गुल्ली बुल्ली और शॉन उड़ान भरने के लिए रेडी हैं।
गुल्ली बुल्ली और शॉन ने उड़ान भर लिया है। गुल्ली बुल्ली और शॉन वहाँ से निकल जाते हैं और अब बाबा अपने काम को अंजाम देने लैब की तरफ चले जाते हैं और उधर गुल्ली बुल्ली और शॉन अपने शहर को बचाने आ गए हैं। बाबा ने गुल्ली बुल्ली और शॉन को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी है, पता नहीं वो तीनों उसे अच्छे से निभा पाएंगे कि नहीं। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। गुल्ली बुल्ली और शॉन अपने शहर के सबसे ऊंची वाली बिल्डिंग के ऊपर आ गए हैं और पता नहीं वो क्या करने वाले हैं। शॉन कहता है, गुल्ली बुल्ली हम बहुत ऊंचाई पर आ गए हैं, मुझे लग रहा है कहीं हम यहाँ से गिरकर मर ना जाएं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, तुम लोग प्लीज़ मुझे बाबा के पास वापस ले चलो, मुझे बाबा के पास जाना है। गुल्ली कहता है, शॉन तुम्हारा ड्रामा शुरू हो गया, हम दोनों ने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम हमारे साथ मत चलो, अब हमारे पास टाइम नहीं है कि हम तुम्हें वापस ले चलें। बुल्ली कहता है, गुल्ली बाबा ने जो एंटीडोट हमारे सूट में भरा है हमें उसका छिड़काव पूरे शहर में करना होगा। गुल्ली कहता है, हाँ बुल्ली हमें ऐसा ही करना होगा ताकि ये एंटीडोट हवा में मिल जाए और सबकी जान बच जाए, चलो चलते हैं। ये कहकर गुल्ली बुल्ली और शॉन एंटीडोट का छिड़काव पूरे शहर में करने लगते हैं। गुल्ली बुल्ली और शॉन ने अपना काम बखूबी कर दिया है, लेकिन उन्हें इस बात की भनक तक नहीं है कि कोई उनका इंतजार बड़ी जोरों शोर से कर रहा था। इस कहानी का अगला भाग हम अगले संडे को देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको साइंटिस्ट बाबा का पार्ट नंबर 2 अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें। गुल्ली बुल्ली शॉन ने एंटीडोट को पूरे शहर में पहुंचा दिया है और वो अब जैसे ही बाबा के पास पहुंचने वाले होते हैं तभी अचानक से उनके सूट में जो फ्यूल था वो ख़त्म हो गया, जिसकी वजह से गुल्ली बुल्ली और शॉन जंगल में गिर गए हैं। उन्होंने अपना सूट उतार दिया है क्योंकि बिना फ्यूल के गुल्ली बुल्ली और शॉन सूट पहनकर उड़ नहीं सकते हैं। अरे, अपना पॉटी बॉय शॉन तो बहुत बुरी तरह गिर गया है, लगता है शॉन की गर्दन टूट गई है। अगर शॉन की गर्दन टूट गई तो बेचारा शॉन जिंदा नहीं बच पाएगा। गुल्ली शॉन को उठाने की कोशिश करता है पर शॉन कुछ रिस्पॉन्स नहीं करता है। गुल्ली को लगता है कि शॉन को बहुत गहरी चोट आई है, वो उसे होश में लाने की कोशिश करता है पर शॉन कुछ नहीं बोलता है। तो गुल्ली बुल्ली से कहता है, बुल्ली देखो, लगता है आसमान से गिरते वक्त शॉन की गर्दन टूट गई है, उसे डॉक्टर की सख्त ज़रूरत है, हमें जल्दी से उसे हॉस्पिटल ले जाना होगा, हमें शॉन को अपने साथ नहीं लाना चाहिए था। तभी अपना शॉन हरकत करने लगता है, लगता है गिरते वक्त उसके बम्पर चोट लग गई थी, इसका मतलब अपना पॉटी बॉय शॉन जिंदा है। शॉन होश में आ जाता है लेकिन उसे इस बात की खबर नहीं थी कि वो कहाँ आ गया है और उसके साथ क्या हुआ है। शॉन इधर उधर देखता है और वो जब गुल्ली को देखता है तो कहता है, गुल्ली हम लोग यहाँ कैसे आ गए, हम लोग तो हवा में उड़ रहे थे, फिर हम यहाँ कैसे आ गए। मुझे लगता है ये काम उसी ने किया है जिसने वायरस फैलाया है। गुल्ली कहता है, नहीं शॉन, हम लोगों ने सूट के ज़्यादा मज़े ले लिए जिसकी वजह से हमारा सारा फ्यूल ख़त्म हो गया और हम सूट के साथ ही नीचे गिर गए। गुल्ली बुल्ली, ऐसी बात नहीं है, बाबा को हमें ये बात बतानी चाहिए थी कि सूट में ज़्यादा फ्यूल नहीं है, पता नहीं बाबा कैसे साइंटिस्ट बन पाएंगे। शॉन, इसमें बाबा की कोई गलती नहीं है, हमने ही लापरवाही कर दी है और अब हमें पैदल ही जंगल के रास्ते बाबा के पास जाना होगा और हमें इस सूट को यहीं पर छोड़ना होगा। गुल्ली कहता है, ठीक है गुल्ली, चलो हम चलते हैं, हमें जल्दी से इस जंगल से निकलना होगा और बाबा के पास जाना होगा। गुल्ली बुल्ली शॉन को जल्द ही जंगल को पार करना होगा क्योंकि ये जंगल बहुत ही खतरनाक है, अगर शॉन ने इस जंगल को सही सलामत पार कर लिया तो वो अब से कभी बाबा के आविष्कार किए हुए चीज़ों को ट्राई नहीं करेगा। गुल्ली बुल्ली बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, शॉन गुल्ली बुल्ली के पीछे पीछे चल रहा है। तभी अचानक से शॉन को कोई आवाज़ सुनाई देती है, शॉन रुक जाता है पर उसे वहाँ कुछ नहीं दिखाई देता है और शॉन आगे की तरफ चलने लगता है।
जैसे ही शॉन थोड़ी दूर आगे बढ़ता है तभी शॉन को कोई अपनी तरफ खींच लेता है। आखिर शॉन को अपनी तरफ किसने खींचा है? गुल्ली और बुल्ली को भनक लगती है कि शॉन ने उन दोनों को आवाज़ दी है और वो दोनों पीछे पलटकर देखने लगते हैं पर उन्हें शॉन दिखाई नहीं देता है। और तभी बारिश होने लगती है। बुल्ली शॉन कहाँ चला गया? वो अभी हमारे साथ ही तो था और मुझे ऐसा लगता है कि शॉन ने मुझे आवाज़ लगाई है। हाँ गुल्ली, मुझे भी ऐसा ही लगा कि शॉन ने मुझे आवाज़ लगाई है। गुल्ली, कहीं ऐसा तो नहीं कि शॉन रास्ता भूलकर किसी दूसरे रास्ते पर चला गया है और हमें परेशान करना चाहता है? वैसे भी वो फट्टू है, ज़्यादा दूर नहीं गया होगा। पर गुल्ली, हमें शॉन को ढूंढना होगा। जंगल का रास्ता बहुत ही खतरनाक है और बारिश भी हो रही है, हमें शॉन को ढूंढना चाहिए। हाँ गुल्ली, तुम सही कह रहे हो, हमें शॉन को ढूंढने चलना चाहिए। गुल्ली बुल्ली शॉन को ढूंढने जा रहे हैं। तभी गुल्ली बुल्ली को कुछ दिखाई देता है जिसे देखकर गुल्ली बुल्ली हक्के बक्के रह जाते हैं। बुल्ली, ये तो अपने शॉन का जूता है, लेकिन शॉन ने अपना जूता यहाँ क्यों छोड़ दिया है? ये जंगल बहुत ही भयानक है, कहीं शॉन किसी मुसीबत में ना फंस गया हो। हाँ गुल्ली, हमें शॉन को जल्द ही ढूंढना होगा, कहीं शॉन के साथ कुछ ऊंच नीच ना हो जाए। गुल्ली, हमारे पास फ़ोन भी नहीं है, अगर हमारे पास फ़ोन होता तो हम बाबा को कॉल करके यहाँ बुला लेते। चलो, हमें शॉन को ढूंढना होगा, शायद इस जंगल में कोई हो जो हमारी मदद कर सके। गुल्ली बुल्ली शॉन को आवाज़ लगाते हुए उसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन अपना पोर्टी बॉय शॉन तो मुसीबत में फंसा हुआ है, वो कहाँ से गुल्ली बुल्ली की बातों का जवाब दे पाएगा? जब वो जंगल में थोड़ा आगे जाते हैं तो गुल्ली बुल्ली को कुछ दिखाई देता है। अरे, ये तो किसी का घर है, पर इस जंगल में इतना अच्छा घर किसका हो सकता है? कहीं शॉन इस घर में ही तो नहीं है? आप मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। गुल्ली कहता है, गुल्ली, बारिश बहुत तेज़ी से हो रही है, मुझे लगता है हमें उस घर के अंदर जाकर मदद मांगनी चाहिए, शायद उस घर में कोई ऐसा हो जो हमारी मदद कर सके। हाँ गुल्ली, हमें उस घर में चलना चाहिए, जब तक बारिश रुक नहीं जाती है तब तक हमें वहीं रुकना चाहिए। अरे, ये तो अपना शॉन है, लेकिन ये यहाँ क्या कर रहा है? आखिर शॉन को यहाँ कौन लेकर आया है? ये तो रॉड है जो अपना शॉन को बहुत ही बेरहमी से मार रहा है, बेचारा शॉन का सर फूट गया है। रॉड के साथ ये कौन है जिससे रॉड बात कर रहा है? रॉड कहता है, मैंने तुम्हें प्लास्टिक से बनाया है और तुम मेरे गुलाम हो, मैं तुम्हें जैसे कहूँगा तुम्हें वैसे ही करना होगा। मेरे ही कहने पर तुमने पूरे शहर में वायरस फैलाया है, अब तुम इनके दोस्तों को ढूंढो ताकि मैं शॉन के साथ साथ गुल्ली बुल्ली को भी ऐसे ही मार सकूँ। फिर बारी आएगी बाबा की, बाबा तुम्हारा बाल भी बाका नहीं कर पाएगा क्योंकि तुम प्लास्टिक से बने हो और प्लास्टिक कभी नष्ट नहीं होता है। अगर बाबा तुम्हें जलाने की कोशिश करेगा तो पूरे शहर में प्रदूषण फैल जाएगा और बाबा ऐसा बिल्कुल नहीं कर पाएगा। जब हम बाबा और शॉन के दोस्तों को जान से मार देंगे तब हम अपना वायरस का काम फिर से लॉन्च करेंगे और पूरे शहर को बर्बाद कर देंगे। फिर पूरा शहर मेरा होगा और मैं पूरे शहर का मालिक बन जाऊँगा। अब तुम जाओ और इनके दोस्तों को लेकर आओ। जब बुल्ली बुल्ली उस घर से किसी को बुलाने वाले होते हैं तभी बुल्ली को प्लास्टिक मैन ले जाता है। बुल्ली ये देखकर डर जाता है कि आखिर बुल्ली अचानक से कहाँ गायब हो गया। वो इधर उधर देखता है पर उसे कुछ समझ नहीं आता और वो सोचने लगता है कि कहीं वो भी गायब ना हो जाए। इसलिए गुल्ली ज़्यादा कुछ नहीं सोचता और वो वहाँ से जान बचाकर भागने लगता है। बुल्ली ने बहुत अच्छा किया जो वहाँ से भाग गया, नहीं तो प्लास्टिक मैन उसे भी पकड़ लेता। अगर प्लास्टिक मैन उसे भी पकड़ लेता तो गुल्ली बुल्ली और शॉन तीनों फंस जाते, फिर पता नहीं तीनों को कौन बचाता। गुल्ली ने अपनी जान बचाकर बहुत सही फैसला लिया है। अगर आप लोगों को लगता है कि गुल्ली ने सही फैसला लिया है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। गुल्ली
गुल्ली भागते भागते एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। गुल्ली पेड़ के पीछे छुपकर सब देख रहा होता है कि प्लास्टिक मैन कैसे गुल्ली को अपना शिकार बना रहा है। प्लास्टिक मैन कहीं गुल्ली को खा ना जाए, ये सब गुल्ली देख रहा होता है और वो ये सोचता है कि गुल्ली को कैसे बचाया जाए। पर गुल्ली मजबूर था क्योंकि प्लास्टिक मैन की ताकत के आगे गुल्ली कुछ नहीं कर सकता था। गुल्ली के देखते ही देखते प्लास्टिक मैन गुल्ली को अपने साथ लेकर चला जाता है। अरे ये तो अपना पॉटी बॉय शॉन है जिसे रॉड बहुत बुरी तरह से मार रहा है। रॉड ने शॉन का पैंट उतार दिया है और अपना शॉन बेचारा सिर्फ चड्डी में है। रॉड को शॉन की ऐसी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी। बेचारा शॉन अब किसको मुंह दिखाएगा, वो लोगों को क्या बताएगा कि रॉड ने उसका पैंट उतारकर उसको बहुत मारा था। इसमें तो अपने शॉन की बहुत बड़ी वाली बेइज्जती हो जाएगी। गुल्ली सोचता है कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अब कहीं जा रहा है। लेकिन गुल्ली कहाँ जा रहा है? अगर गुल्ली को प्लास्टिक मैन ने देख लिया तो रॉड तीनों का पैंट उतार कर मारेगा। अरे गुल्ली तो बाबा के बनाए हुए सूट जिसमें कि अब फ्यूल नहीं है उधर की तरफ जा रहा है, जिधर से ही प्लास्टिक मैन अपने पॉटी बॉय शॉन को उठाकर ले गया था। गुल्ली पता नहीं उधर क्यों जा रहा है। आखिर गुल्ली सूट के साथ क्या करना चाहता है? और इधर प्लास्टिक मैन गुल्ली को अपने साथ लेकर रॉड के पास आ गया है। प्लास्टिक मैन ने गुल्ली को बहुत बुरी तरह जमीन पर फेंक दिया है। रॉड कहता है इसके साथ साथ इसका एक फट्टू दोस्त था, वो कहाँ है? मैंने तुमसे कहा था कि तुम दोनों को लेकर आओ ताकि मैं तीनों को लटका कर इनकी चमड़ी छील दूँ, और ये मुझसे इतना डरे कि मैं जिस गली से गुजरूँ वहाँ से ये मुझे सलाम करते हुए जाएं। अब तुम खड़े खड़े मेरा मुँह मत देखो, जाओ और जाकर इसके फट्टू दोस्त को ढूंढ कर ले आओ। और इधर गुल्ली इस जंगल से निकलने का तरीका ढूंढ रहा है। अरे इधर रॉड ने गुल्ली को भी पेड़ पर ऊपर लटका दिया है। आखिर अपने शॉन और गुल्ली ने रॉड का क्या बिगाड़ा है जो वो दोनों को मार रहा है? रॉड ने गुल्ली को मारते मारते उसका सर फोड़ दिया है। गुल्ली को जल्द ही ट्रीटमेंट की जरूरत है। अगर गुल्ली को ट्रीटमेंट नहीं मिला तो वो मर जाएगा। गुल्ली को जरूर जल्द ही कुछ करना होगा। गुल्ली ने तीनों सूट में से जो थोड़ा थोड़ा फ्यूल बचा था उसे इकट्ठा कर लिया है और उसे एक सूट में डालकर उड़ान भरने के लिए तैयार है। लगता है गुल्ली का दिमाग तो कंप्यूटर से भी तेज चलता है। अगर गुल्ली का दिमाग सही समय पर नहीं चलता तो आज गुल्ली बुल्ली शॉन तीनों रॉड के चपेट में आ जाते हैं। जैसे ही गुल्ली उड़ान लेने ही वाला होता है तभी प्लास्टिक मैन उसे देख लेता है और वो उसकी तरफ दौड़ा हुआ आ रहा होता है। गुल्ली प्लास्टिक मैन को देखते ही बहुत तेजी से वहां से निकल जाता है। प्लास्टिक मैन गुल्ली को वहां से जाते देखकर हाथ मलता रह जाता है क्योंकि उसको पता है कि गुल्ली अब बाबा को लेकर आएगा और अब रॉड और उसकी बैंड बच जाएगी। इधर बाबा अपने लैब के काम में व्यस्त हैं। तभी बाबा को गुल्ली के आने की भनक लगती है। बाबा को लगता है कि गुल्ली बुल्ली और शॉन तीनों साथ में आएंगे, लेकिन बाबा सिर्फ गुल्ली को देखते हैं तो उन्हें समझ आ जाता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। गुल्ली बाबा को सारी बात बताता है। जितने देर में गुल्ली बाबा को सारी बात बता रहा है उससे पहले आप लोग मेघजोक हॉरर स्टोरी को जरूर सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें। गुल्ली की सारी बात सुनने के बाद बाबा कहते हैं अच्छा ऐसी बात है तो तुम घबराओ मत, उस प्लास्टिक मैन को मारने का तरीका मेरे पास है, ये देखो। बाबा अपनी शक्तियों से गुल्ली को कुछ दे रहे हैं। बाबा गुल्ली से कहते हैं ये एक ऐसा बॉक्स है जिसमें हम प्लास्टिक मैन को पकड़ सकते हैं, क्योंकि प्लास्टिक मैन को अगर हम जला देंगे तो पूरे शहर में प्रदूषण फैल जाएगा और लोग मरने लगेंगे, तो हम प्लास्टिक मैन को इस बॉक्स में कैद करेंगे। इस बॉक्स के अंदर का गुरुत्वाकर्षण बहुत ज़्यादा है जिससे प्लास्टिक मैन बॉक्स में एक बार अगर चला गया तो वो फिर कभी उठ नहीं पाएगा। अब चलो तुम मुझे अपने ऊपर बैठा लो और मुझे उस जंगल में ले चलो।
बाबा गुल्ली के ऊपर बैठ जाते हैं और वो जंगल की तरफ जा रहे हैं। लगता है अब रॉड और प्लास्टिक मैन की बहुत पिटाई होगी। इधर प्लास्टिक मैन रॉड को आकर सब बता देता है कि गुल्ली उसके हाथ से निकल गया। उससे पहले कि मैं गुल्ली का कुछ कर पाता वो वहां से भाग गया। रॉड प्लास्टिक मैन पर गुस्सा हो जाता है कि उससे एक भी काम ढंग से नहीं हुआ। और रॉड कहता है कि अगर गुल्ली बाबा को लेकर आ गया तो हमें भागने के लिए जगह नहीं मिलेगी, जल्द ही हमें कुछ सोचना होगा। तभी अपना पॉटी बॉय शॉन होश में आ जाता है और वो देखता है कि वो कहां पर हैं। आगे की कहानी हम अगले भाग में देखेंगे। तो गुल्ली बुल्ली की ऐसी ही नई वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें। अपना पॉटी बॉय शॉन होश में आ जाता है, लेकिन रॉड को नहीं पता कि अपना पॉटी बॉय शॉन होश में आ गया है। और वो इधर उधर देखता है तो रॉड प्लास्टिक मैन से बात कर रहा होता है। शॉन ने बड़ी बहादुरी दिखाई और वो अपनी रस्सी को खोलकर उस पेड़ के पीछे छुप जाता है। रॉड और प्लास्टिक मैन को इस बात की भनक तक नहीं लगती है। तभी रॉड की नज़र बुल्ली की तरफ पड़ती है तो रॉड देखता है कि शॉन वहां से गायब हो गया है। देखो पॉटी बॉय शॉन यहां से कैसे भाग गया, हमारा कोई खौफ है भी या नहीं? चलो उसे ढूंढो, वो ज़्यादा दूर नहीं गया होगा क्योंकि वो बहुत बड़ा फट्टू है। शॉन ने बहादुरी तो दिखा दी है, लेकिन अगर इस बार रॉड ने शॉन को पकड़ लिया तो वो शॉन को जिंदा नहीं छोड़ेगा। रॉड प्लास्टिक मैन से कहता है, तुम एक नंबर के काम चोर हो, वो ज़्यादा दूर नहीं गया होगा, जाओ उसे ढूंढो क्योंकि वो बाबा यहाँ आने ही वाला होगा। अगर वो बाबा तुम्हें दिख जाए तो तुम उसे मार कर यहाँ ले आना। अरे अपना पॉटी बॉय शॉन तो पेड़ के ऊपर चढ़ गया है। शॉन तो वाकई में बहुत बहादुर है, ना जाने गुल्ली बुल्ली उसे क्यों फट्टू बोलते हैं। अरे बाबा तो यहाँ आ गए हैं, लगता है अब रॉड और प्लास्टिक मैन की सामत आने वाली है। लेकिन बाबा प्लास्टिक मैन को जान से नहीं मार सकते हैं क्योंकि प्लास्टिक मैन प्लास्टिक से बना है। प्लास्टिक मैन को मारने के लिए बाबा को उसे हाई ग्रेविटी बॉक्स में बंद करना होगा। बुल्ली कहता है, बाबा ये वही जगह है जहाँ प्लास्टिक मैन बुल्ली को अपने साथ ले गया था, वो इसी जंगल में यहीं कहीं होगा। चलिए हमें जल्दी चलकर बुल्ली और शॉन को बचाना है। अब बाबा और गुल्ली आगे की तरफ बढ़ते हैं। तभी प्लास्टिक मैन अचानक से बाबा के रास्ते में आ जाता है। बाबा कहते हैं, तू कौन है, चल हट मेरे रास्ते से। प्लास्टिक मैन कहता है, मैं ही तो हूँ जिसे तू ढूंढ रहा है। बाबा अब तो तेरी मौत निश्चित है। बुल्ली ये सब चुपचाप देख रहा होता है और उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। तभी रॉड बुल्ली की तरफ बहुत तेजी से आ रहा होता है। अरे गुल्ली ने तो रॉड को बहुत जोर का मारा है, लगता है रॉड मर गया। बाबा ने प्लास्टिक मैन को बेहोश कर दिया है और बाबा अब उस हाई ग्रेविटी बॉक्स को लाते हैं जिसमें प्लास्टिक मैन एक बार चला जाएगा तो वो दोबारा फिर कभी नहीं उठ पाएगा। जैसे ही बाबा उस प्लास्टिक मैन को उठाकर उसमें फेंकने वाले होते हैं तभी प्लास्टिक मैन जाग जाता है और फिर से बाबा और प्लास्टिक मैन में फाइट होती है। अरे ये तो अपना शॉन है। शॉन ने तो प्लास्टिक मैन को उस बॉक्स में पहुंचा दिया है। अपना शॉन तो हीरो है जिसने प्लास्टिक मैन को धूल चटा दिया। जो काम बाबा ना कर सके उस काम को शॉन ने कर दिखाया। बाबा और गुल्ली शॉन की बहादुरी देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं। अरे रॉड तो होश में आ गया है और वो बहुत तेजी से भाग रहा है।
गुल्ली शॉन और बाबा को रॉड को ऐसे जाने नहीं देना चाहिए, क्योंकि रॉड ने अपने शॉन को चट्टी में बहुत मारा था।